नमस्कार, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गोस्वामी। कानपुर में धूमधाम से हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कानपुर में गीता भवन की तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण पूज्य गीता वागेश्वरी के सुंदर वचनों से बर्रा आर्ट पार्क में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 9 जनवरी को हुआ। कथा वाचक गीता वागेश्वरी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। भागवत कथा में कृष्ण की अनेक लीलाओं को अपने सुंदर वचनों द्वारा भक्तों में गुणगान कर रही हैं। भागवत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? जी, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है और ये सप्ताह यज्ञ है। सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया है। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? ये 7 दिनों का सप्ताह यज्ञ किया गया है और इसमें हमारे जो आचार्य जी हैं श्री नारायण जी सहायक के रूप में हैं और हमारे यजमान हमारे साथ में हैं जिनका हॉस्पिटल है अक्षत अंजलि मेडिकल हॉस्पिटल, जो सक्रिय समाज के लिए बड़े उदार हैं, लगे रहते हैं, कार्यरत हैं, जो हमारे यजमान हैं। मद भागवत कथा के द्वारा अपने वचनों द्वारा भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जिस भागवत को लेकर के मेरा ये संदेश है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 108 कथाओं का संकल्प लेकर के चल रही हूँ, जिसमें मैंने ये 21वीं कथा को किया है और मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि समाज में, देश में, जन जन तक ये कथा पहुँचे और ये असहाय और निर्धनों की इस कथा के द्वारा सेवा हो जाए और मेरा जीवन इसी के लिए समर्पित है। जब तक इच्छा, प्रभु इच्छा तक ये जीवन है, तब तक ये कथाओं के द्वारा हमारे जो समाज में निर्धन हैं, असहाय लोग हैं, उन्हीं के लिए ये सेवा समर्पित है। कथा का संचालन कितने से कितने समय तक होता है? इस कथा का संचालन 4 बजे से 7 बजे तक है और ये अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहे TV30 इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।